ऑफिसर, तेरे पास जो पेपर है चुपचाप साइन कर दे, ताकि कस्टम वालों ने जो मेरा स्मगल किया वो माल पकड़ा है उसे मैं छुड़ा सकूं। अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। ए, कौन है तू? जेम्स बॉन्ड। ए, जा देखे आवाज कैसी है। कोई पुलिस वाला है, जाओ ढूंढो उसे। मिला गया वो। अरे कल्पेश, मिला गया। छुप छुप के क्या वार कर रहा है बे? मैं तो मेरे सामने आ, सामने आ। कौन है रे तू? हाँ, नाम क्या है? थैंक्स अंकल। हेलो, एसआई शिव प्रसाद स्पीकिंग। हाँ साहब, मैं वही हूँ जिसके आदमियों को आपने मारा था। हिम्मत है तो बग्गा के साथ में भी वही करो। शहर से उसके ट्रक निकल रहे हैं जिसमें स्मगलिंग का माल है। अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक उन ट्रक को। बेस्ट ऑफ लक सर। स्मगलिंग की टिप मिली ना सर, सुबह से पुलिस स्टेशन में यही कॉल आ रहे हैं। बग्गा का मैटर है ना सर, फोन की घंटी सुनते ही सबका घंटा बज रहा है, लेकिन आपने बिना डरे फोन को एकदम से उठा लिया। ये केस के लिए आप बिल्कुल सही आदमी हैं। एकदम सही, ये कोई किडनैपिंग या लापता कुत्ता ढूंढने का मैटर नहीं है, बग्गा का मैटर है। वो आदमी जिसने 100 रुपए के लिए गले काट दिए थे। खैर छोड़ो, कौन जा रहा है भाई? सब इंस्पेक्टर शिव प्रसाद राठौड़। बेस्ट ऑफ लक भाई, इस बार भी अकेले जाके झंडे और गुंडे दोनों गाड़। ये बीच सड़क में गाड़ी किसने खड़ी की है, जाके देख। ए, बोले तू?
वो कोई नया सब इंस्पेक्टर है। वो जानता है उस माल की कीमत क्या है, जानता है। मुझे मेरा माल वापस चाहिए, वरना हम सबको भी पेपर बेचना पड़ेगा। पेपर। उसके परिवार में कौन कौन है? उसका एक छोटा भाई है, वो साले को अगर उठा लिया तो ये लाइन पर आ जाए। उठा लो साले को। ए कार्तिक, तुझे मार्केट छोड़ देता हूँ, आजा। कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था तेरा भी घर बस जाए। एक बात बता, तू और पल्लवी भाग के शादी करोगे ना? वैसे तो तेरी शादी पर संकट के काले बादल छाए हुए हैं, तेरी भाभी को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। आजा। भाई, हम छोटे भाई का पीछा कर रहे हैं, पुलिस वाला भी साथ है। ए, 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 जब तक वो साथ में, उसे हाथ मत लगा, साला आतंकी है। अगर वो गाड़ी से उतरे तो उठा ले साले को। ठीक है, चलता हूँ भैया। बाय। ए, ए, संभल कर, संभल कर। सर सर प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। अरे बॉस 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 बॉस, रुको ना, रुको एक मिनट। बॉस, बेचारे जानवर को चोट लगी है, इसकी हालत खराब है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दो। ठीक है, बैठ। थैंक यू बॉस। भाई, उठाया क्या? उठा लिया भाई, हमारे साथ जीप में ही बैठा हुआ है। भाई, अब इसका क्या करना है? साले को कारखाने ले आ। ठीक है भाई। बॉस, यहाँ आगे से राइट ले। हाँ, इस जंक्शन से सीधा जाना। हाँ, अब उस सर्कल पे राइट ले लेना। अरे बॉस बॉस, ये राइट था। अरे बॉस, ये राइट लेना है। ए, सीधा कारखाने लेकर चल। परफ्यूम कौन सा है? पॉइजन। तू कौन सा लगाता है बे? हाँ, साबुन लगाता हूँ। साबुन लगाता है? देखा तूने, साबुन और परफ्यूम में क्या फर्क है, इनमें से किसी को नहीं पता। मैंने लाखों खर्च करके ऐसे जाहिल लोगों को पाल रखा है, और साले तेरे भाई ने एक झटके में मेरा करोड़ों का माल पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है इसकी सजा उसे नहीं मिलेगी? SI को फोन लगा बे। हेलो, SI शिव प्रसाद स्पीकिंग। SI, तेरा एक भाई है जो इस वक्त लापता हो चुका है, वो मेरा मेहमान है, ले बात कर। भैया, मैं तेरे भाई से मुझे कोई लेना देना नहीं, इसके बदले मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, बस मेरा माल लौटा दे।
देखा अपने भाई के किडनैप होने की खबर सुनने के बाद भी सर कितने आराम से बैठे हैं। सर के लिए अपनी ड्यूटी ज्यादा जरूरी है। सर वो बदमाश है, आपके भाई की जान जा सकती है। एसपी ऑफिस को फोन करके स्पेशल फोर्स भेजने के लिए कहूं? नो, गो। करवा दिया ना अपना पोपट, ये तो खुद ही एक फोर्स है, इन्हें भला फोर्स की क्या जरूरत। ये दरअसल तूफान के पहले की शांति है। नहीं नहीं, तूफान नहीं, अब ये तूफान सुनामी में बदलने वाला है, देख लेना। वो मानने को तैयार नहीं है, इसकी बलि चढ़ानी होगी। देखो। नहीं नहीं नहीं, दादा ऐसा मत कीजिए, मैं अपने भैया से बात कर लेता हूँ, वो मेरी बात पक्का मान जाएंगे। प्लीज दादा, प्लीज एक बार मेरी बात करवा दीजिए, वो मेरी बात मानेंगे पक्का। दादा प्लीज। यही डर मैं तेरे भाई में देखना चाहता। इसके भाई से इसकी बात कराऊं क्या? इसकी बात करा। उसको बोल जल्दी इधर आने को, भाई की हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। इंस्पेक्टर शिव प्रसाद स्पीकिंग। हेलो भैया, मेरी बात सुनो, मैं चारों तरफ गुंडों से घिरा हुआ हूँ, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, इन्हें जो चाहिए दे दीजिए और मुझे इनसे छुड़ा लीजिए। भैया क्या कहा? ठीक है भैया, ओके, समझ गया, ठीक है। क्या बोला वो? भैया ने कहा कि वो माल लेकर नहीं आएंगे, हमारी रगों में एक ही खून बहता है। उन्होंने कहा बिल्कुल मत डर, कहा कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने देना। भौंकने से मतलब? भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है ना, इसीलिए। कुत्ता, उसे पता नहीं जंगली कुत्ता काटता है तो बहुत दर्द होता है। दादा, दादा, साले की उंगलियां काट के इसके भाई को भेज दो। नहीं नहीं दादा, दोनों की रगों में एक ही खून है ना, उंगली यहाँ कटेगी दर्द वहाँ होगा। अरे दादा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देख लिया ना, भाई की पूरी तरह हट गई है, अपना अंगूठा दे और घर जा। एक बार मना किया तो समझ में नहीं आता क्या? याद रहे, तुम्हारा एक भी वार खाली नहीं जाना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं? बग्गा, सुना है कि एसआई ने तेरा माल उठाया और तूने उसके भाई को? हाँ, अब बड़ा भाई खुद सामान मेरे पास लाएगा। अरे क्या आइडिया है बग्गा, सामान आने से पहले एक छोटी सी फिल्म देख लेना। ए, भाई को वीडियो दिखा। उसने मेरे आदमियों को मारा और माल तेरा ले गया। अड्डे पे चल। We'll be right back.
नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा। कहाँ जाएगा यार, तुम मेरी धुलाई करोगे। सर मैं HSBC बैंक से बोल रही हूँ, हमारे बैंक में अकाउंट खोलेंगे? फिलहाल मैं एक अकाउंट क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में फोन कीजिए। ओके सर। अंधा है क्या?